सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज एक ऐतिहासिक दिन है भाई, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है गेम रिव्यू सीरीज। भाई इस वाला सीरीज में हम फ्री से लेके महंगे से महंगे गेम तक रिव्यू करने वाले हैं, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चेक करने वाले हैं भाई। तो आज हम ये ऐतिहासिक सीरीज को एक छोटा सा फ्री गेम से चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रैक मेनिया। तो आओ गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई ये हमारा है ओपनिंग पेज इस गेम का, और अभी आप देख सकते हो इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको चाहिए होगा इस गेम को खेलने के लिए। ये सारे रिक्वायरमेंट्स काफी मॉडेस्ट है भाई। तो गाइज अभी बात कर लेते हैं कि इस गेम को कैसे खेलते हैं, इसका कंट्रोल्स क्या क्या है, और इसमें फीचर्स क्या क्या आपको मिल सकते हैं, और बाकी सारी चीजों को लेके भाई। तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट पेज है इस पे आपको सोलो गेम देखने को मिल जाता है, लाइव गेम देखने को मिल जाता है, क्लब्स देखने को मिल जाता है, लोकल और क्रिएट को देखने को मिल जाता है भाई। क्रिएट में आपको मैप एडिटर, मैप रिव्यू, रिप्ले एडिटर एंड गैरेज देखने को मिल जाएगा। लोकल में आपको लोकल मल्टीप्लेयर, ये एक बहुत अच्छा फीचर है, आपको मल्टीप्लेयर गेम्स खेलने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई मैप को आप खेल सकते हो और आपका प्ले अगेंस्ट ये सब भी खेल सकते हो आप। और रिप्ले अगेंस्ट जो है ये एक बहुत अच्छा फीचर है, ये आपका लास्ट मैच में जो आप थे उसी को आप कम्पीट कर रहे हो, मतलब आपको अच्छे होने के लिए यहाँ पे एक मौका मिलता है। द पर्सन यू आर द लास्ट डे यू आर बेटर देन दैट, इसी को ही इन लोग प्रूव कर रहे हैं भाई कि आप जो आखिरी दिन थे उससे आप बेटर होने का आपको एक मौका मिल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो कि हमारा स्टार्टर एक्सेस, ये स्टार्टर एक्सेस पैक आपको फ्री में मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है स्टैंडर्ड एक्सेस फॉर वन ईयर और क्लब एक्सेस फॉर वन ईयर। इसका प्राइसेस चेक किया जाए तो ट्रैक मेनिया स्टैंडर्ड एक्सेस फॉर वन ईयर ये है 499 रुपीज, काफी मॉडेस्ट है मैं कहूँगा। क्लब एक्सेस आपको 1500 का मिल जाता है, और ट्रैक मेनिया जो 3 इयर्स का होता है ये आपको 3000 का मिलता है। तो ये आप पे है भाई, आप कौन सा लेना चाहते हो। बाकी बात किया जाए गेम प्ले की तो चलो भाई एक गेम हम भी चालू करते हैं और देखते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे हम एक फर्स्ट मैच ले रहे हैं ये देखने के लिए कि गेम का ग्राफिक्स कैसा है एंड ऑल दैट, कि इसका कंट्रोल्स क्या क्या है भाई और कितना एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो इसको लोडिंग होने में कुछ वर्षों लगने वाला है लग रहा है। A few moments later. तो भाई अकेला ही खेलने जा रहे हैं हम अभी, चलो। आवाज तो काफी कूल लग रहा है, ठोक दिया भैया, ठोक दिया हमने। कंट्रोल्स भी काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है। तो यहाँ पे और एक चीज का बात कर लिया जाए तो लाइटिंग इफेक्ट्स काफी अच्छा देखने को मिल रहा है हमें, और ग्राफिक्स भी काफी स्मूथ है भैया। मेरे को नहीं लगता इसके लिए कोई हेवी ग्राफिक्स कार्ड या कुछ का जरूरत पड़ेगा, तो काफी सही लग रहा है इसका। जो आप नॉर्मल सा गेम प्ले देखोगे और अगर एक और मैच लेके देखे तो हम शायद थोड़ा अच्छे से जनरलाइज कर पाएंगे इस चीजों को, आप भी समझ पाएंगे ग्राफिक्स को थोड़ा और। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्पीड बूस्ट। और भैया एक और चीज है भाई कि आप ठोकोगे तो स्पीड कम होगा ही भाई।
इसे कहते हैं पागलपंतिया। A few moments later. भाई तो एक और बात चालू कर रहे हैं हम इधर। भाई ये जो गेम है ना भाई, इस गेम को लेके मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि भाई तुम अगर खेलोगे ना तो दीवाने हो जाओगे इस गेम की। भाई अगर आपको रेसिंग गेम अच्छा लगता है तो ये गेम आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है। भाई एस्फॉल्ट वगैरह तो हर कोई खेलता है, ये भी खेल लिया करो कभी, मजा आएगा भाई। अब बात कर लेते हैं इसका ओवरऑल रेटिंग जो हम इसको देने वाले हैं। तो ग्राफिक्स की बात किया जाए, अगर आउट ऑफ 10 रेट करते हैं तो हम इसको 8.3 देने वाले हैं भाई। अगर आप गेम प्ले स्टाइल का बात करते हो तो अगर 10 देते हो तो 9.2 रेट करेंगे। अगर बोला जाए इस ये कौन सा गेमर्स के लिए, तो मैं बोलूंगा ये इंटरमीडिएट गेमर्स के लिए है। लाइटिंग अगर 10 में से रेट किया जाता है तो यहाँ पे मैं इसको 9.7 दे सकता हूँ, क्योंकि काफी अच्छा लाइटिंग है इसका। और अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का बात किया जाए, जस्टिफाइड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्वालिटी ऑफ द गेम यू आर गेटिंग, आई कैन इजीली रेट इट 9.9 out of 10। गाइस ये सच में इतना अच्छा गेम है कि आप इजीली इसको इस रेट पे रेटिंग दे सकते हो भाई। ये आप भी खेलोगे तो समझ में आ जाएगा। और बात किया जाए कहाँ से लेना है, ये आपको यूप्ले का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मिल जाएगा, या आप एपिक गेम्स, भाई एपिक गेम्स को कौन ना पहचानता है, उससे भी आप ले सकते हो। अगर बात किया जाए मोड्स की तो मोड्स भी काफी अच्छा है। समर 2020 आर्केड इवेंट्स ट्रैक ऑफ द डे क्लब्स आप क्रिएट कर सकते हो, और लोकल का मल्टीप्लेयर भी आप खेल सकते हो भाई। तो भाई एंजॉय कर सकते हो, और मैं इतना ही बोलूंगा ये काफी एडिक्टिव गेम है भी, क्योंकि जो भी रेसर्स होने वाला है उसको काफी अच्छा लगने वाला है। तो खुद ट्राई करें, और ये आपकी मर्जी है आप कोई एक्सेस पैक खरीदना चाहते हो कि नहीं। मैंने आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे दिया है, और आप मेरा ओपिनियन चाहते हो तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को फ्री वाला कैंपेन काफी अच्छा लग रहा है। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। और मिलते हैं आपसे एक नए फ्रेश वीडियो में, यही गेम रिव्यूज का। टिल देन गुड बाय एंड सी यू।